एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बजट फ्रेंडली कुछ डीआईवाई मिनिएचर्स, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन की डेकोरेशन के लिए, बालकनी डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कुछ ख़राब जो बल्ब्स होते हैं एलईडी बल्ब्स, उनका यहाँ पे यूज़ किया है एंड उनके ऊपर की कैप को और बॉटम को सेपरेट कर लिया है एक मशरूम की शेप देने के लिए। एंड अब हम इनके ऊपर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो इनकी बॉटम को मैं कर रही हूँ ग्रीन कलर का पेंट। तो हमारे पास चार बल्ब हैं, तो दो को मैं ग्रीन करने वाली हूँ एंड दो को मैं करने वाली हूँ ब्राउन पेंट। एंड ये जो इनका टॉप है, इनको हम कर देंगे रेड एक्रेलिक कलर से पेंट। ऑल दो आप चाहो तो डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़े और ज़्यादा जैसे कि कलरफुल लगेंगे। और इनको ना हम अपने किसी भी प्लांट्स में या गार्डन की डेकोरेशन के लिए हम इनको रख सकते हैं प्लांट्स के बीच में, बहुत सुंदर लगेंगे ये बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये आप देखोगे ये हमारे मशरूम बनकर रेडी हो गए हैं। एंड मैंने यहाँ पे ईयरबड का यूज़ करके इनके ऊपर कुछ वाइट कलर के डॉट्स पे डाल दी थी, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब आई हमारे सेकंड डीआईवाई के, जिसके लिए ना जो हमारे घर में ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ना, या प्लांटर्स होते हैं जो नर्सरी से आते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं, उनको कवर करने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये दो पीवीसी पाइप का। इनके ऊपर प्राइमर की कोटिंग मैंने कर दी है एंड इनके ऊपर मैंने यहाँ पर दो ड्रॉ करे हैं कार्टूनिश फिगर्स, एक यानी कि एनिमल ड्रॉ किए हैं, एक जिराफ और एक यहाँ पर मंकी ड्रॉ किया है मैंने। एंड इनके ऊपर अब मैं एक्रेलिक कलर्स का ही यूज़ करके पेंट करने वाली हूँ। प्रॉपर आज ना मैं क्लिप्स नहीं बना पाई, बिकॉज आज कोई भी नहीं था घर पे जो मेरी हेल्प कर दे, और ख़ुद से पेंट करना एंड साथ के साथ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो ये है उस प्लांटर की एक फाइनल लुक। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लैक, इन चार कलर्स का यूज़ करके बहुत ही ईजीली एक बहुत ही ना क्यूट सी एक एनिमल सी फिगर यहाँ पर मैंने क्रिएट करी है। एंड अब आ रही है हमारे सेकंड पीवीसी प्लांटर की, और इस पर मैंने यहाँ पे मंकी ड्रॉ किया था। तो एक ये रफ से फिगर ना मैंने इन पर ड्रॉ कर ली थी क्रियॉन से। एंड ये आप देखोगे इसको मैंने रेड एंड ब्राउन एंड थोड़ा सा बीच में ब्लैक का टच दिया है, थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए। बट अभी इसके ऊपर मैं करूँगी यहाँ पर ऑयल पेस्टल्स का यूज़ करके आउटलाइनिंग। ऐसे ही एक ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक की, उसको मैंने हाफ कट कर लिया और उसमें होल भी कर दिया प्रॉपर प्लांट्स के ड्रेनेज के लिए। एंड उसको ना हम थोड़ा कार्टूनिश फिगर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर से उसमें पेंटिंग करी है। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह के एक इमेज फॉर्म कर लेगा, एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है गार्डन में। तो ये मैंने जितने भी मेन क्लिप्स थी उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। एंड ये है मेरे प्लांटर्स की फाइनल लुक। तो ये जो मंकी एंड जिराफ वाला प्लांटर है, ये मैंने पीवीसी पाइप का यूज़ करके बनाया है। ये एक मिनियन ड्रॉ किया है जो कि प्लास्टिक की बॉटल पे है। एंड ये कुल्लड़ के ऊपर मैंने ऑटो रिक्शा बनाने की कोशिश करी है। ये मैंने पिंटरेस्ट पे एक आइडिया देखा था, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया ऐसा कुछ बनाना। और अब बारी है इन पे वार्निश करने की। उससे क्या होगा, एक्रेलिक कलर्स ना हटेंगे नहीं, जब हम इनमें वाटरिंग करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये है हमारे आज के डीआईवाई की फाइनल लुक। एंड इन पे मैंने अभी ना वार्निश भी कर दी है। उससे क्या होता है कि जब हम प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे, कभी कभार पता नहीं लगता पाइप से कर रहे हैं या बकेट या मग से कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ये एक्रेलिक कलर्स ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी लगने से। एंड ये बहुत से ऐसे ना क्यूट से फिगर्स अगर आप अपने गार्डन की डेकोरेशन के लिए या बालकनी गार्डन की डेकोरेशन के लिए अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ऑल दो इसको बनाना कोई एक टफ टास्क भी नहीं था। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं वो सब एक तरह से वेस्ट मटीरियल्स ही थी मेरे लिए, और उनका भी कोई यूज़ भी नहीं था। सो गाइस, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बने रहिएगा ऐसे ही और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए।